ये पानी सीधा जाएगा बासर, बासर पता है जो लोग, वो साइड पूरा महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ हमारे दादी जान के घर में माशाल्लाह। ये आप फोटो देख रहे हैं ना, ये मेरे दादा है, इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह इनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। और ये घड़ी है देखो, ये दादा के ज़माने की घड़ी है, बहुत पुरानी, अभी तक इसको संभाल के रखी है। वैसे ये घर जो है पूरा कवेली का था, बारिश की वजह से पूरा नुकसान हो गया, पूरा गिर गया ये घर देखो। ये अभी यहाँ पर पूरे टीना डाल के इसको सेट करे सो है, यहाँ पर हमारे दादी रहते फिलहाल, देख रहे हो ये बाहर का रास्ता है। और ये जो दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा मेरा सर बहुत बार फोड़े हुआ दरवाज़ा है, ये खट्टा खट वाला। तो ये है यहाँ का मदरसा कंदाकुर्दी का, ये चौरस्ता है, सीधा रोड धर्माबाद और इधर अंदर गांव में कंदाकुर्दी। अभी इधर ये है गांव की कमान एंट्री, ये भाई क्या हाल है, यहाँ से लिया तरकारी माशाल्लाह, इंडिया की करेंसी, आज बनेगी तहारी। हाँ जीजा आज कनकुर्ती में फेमस तहारी हफ्ते के दिन। कौन से किधर हाँ तुम देखो खाली, ये वीडियो कहाँ जाती क्या। ये है महाराष्ट्र चौरस्ता, इधर से भी गांव में रोड जाती है अंदर, और यहाँ से सीधा हम जाएंगे तो महाराष्ट्र बॉर्डर पे जाएंगे। अभी हम चलते हैं बॉर्डर पे, मैं आपको बताता हूँ, देखना ज़रूर। पूरा खेती है, पूरा खेती खेती है माशाल्लाह। आगे से पता नहीं है, इससे पहले कुछ पानी ज़्यादा आने की वजह से रोड ख़राब हो गया था ये साइड में, तो रोड बनाई गई है इधर। चलो आगे चल के मैं बताता हूँ, देखते रहो। यहाँ पर देख रहे हो धर्माबाद नांदेड़, ये रोड से सीधा धर्माबाद और नांदेड़। इंशाल्लाह धर्माबाद का भी टूर करेंगे, चलेंगे धर्माबाद एक बार। ये पूरा रोड पानी आने की वजह से ख़राब हो गया था। अभी चलते हैं ब्रिज के ऊपर, आपको बताता हूँ मैं ब्रिज कैसी है। देखो पूरा तमाखोर चना ज़्यादातर वही है, या फिर सोया। चलिए आगे चलते हैं ब्रिज के पास, आगे गंगा है, गंगा यमुना सरस्वती पता नहीं क्या नाम है। और इधर मंदिर है देखो, बड़ी गोदावरी पुष्करालू जो होता है वो यहीं पे होता है। अभी अपन लोग मचाएंगे, इधर से मचाएंगे। अभी मैं आ गया हूँ महाराष्ट्र बॉर्डर, अभी पीछे चला गया, वहाँ पे कमान है। यहाँ पर देखो आंध्रा तेलंगाना की जो पुलिस है वो यहाँ खड़ी रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गंगा है, ये आधी गंगा जो है महाराष्ट्र में आ जाता है, आधा और तेलंगाना में आता है। ये पूरा पानी आने की वजह से टोटली ख़राब हो गया था ये ऊपर से, ये देख रहे हो आप पूरा पानी आया हुआ है। मैं गाड़ी यहाँ पे खड़ी करता हूँ फिर आपको बताऊँगा। ये पूरा पानी फुल है अभी माशाल्लाह। ये गंगा यमुना सरस्वती ऐसा कुछ नाम है, तीन आकर के यहाँ पर मिल जाती है। इधर से फिर जाएगी ये पोचम पहाड़, वो साइड पूरा महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना। ये साइड में गोदावरी पुष्करालू होता है माशाल्लाह। जाएंगे कभी धर्माबाद, जाएंगे उधर विजिट करेंगे इंशाल्लाह, फिर बताता हूँ आपको। अंदर लोग मच्छी पकड़ रहे हैं। ये है देखो ब्रिज, बहुत पुरानी है ये, बहुत पुरानी। ये पानी यहाँ था कि ये पानी नहीं होता इतना, धूप के टाइम में ये पूरा पानी सूख जाता है। परसों पानी बहुत ज़्यादा आने से ये रुका हुआ है फिलहाल। और इधर चल रही है फिशिंग, लोग मच्छी पकड़ रहे हैं, आगे भी मच्छी पकड़ते हैं बहुत। चलिए अभी मैं आगे आपको मंदिर बताता हूँ, मंदिर भी आगे। अभी मैं जो एरिया में जा रहा हूँ, ये तो खैर ये रोड पहले नहीं था, ये बहुत टाइम के बाद बना है, क्योंकि गोदावरी पुष्करालू जो है यहाँ पर होता था। ये गंगा नाम है शायद, ये नदी का नाम है गंगा यमुना सरस्वती या गंगा यमुना सरस्वती, नहीं मेरे को नहीं मालूम भाई क्या है, भूल गया मैं। और यहाँ पर कुछ पंडित लोग हैं जो अयोध्या से यहाँ पर आके रुके हुए हैं ऐसा सुना था, अब यहाँ की हकीकत मेरे को नहीं पता। और यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होता है जो गोदावरी पुष्करालू, बहुत लोग आते हैं बहुत। यहाँ से फिर बासर जो है, बासर यही नदी जाती है बासर, तो हम लोग चलेंगे आगे, आपको बताता हूँ मैं। देखो ये मंदिर यहाँ पे राम मंदिर कुछ है, और इधर नीचे एक हनुमान मंदिर भी है, छोटी सी बहुत पुरानी है।
ये जो है ना, हम यहाँ पर बचपन में बहुत आते थे, ये नदी में आकर के जो है पानी वानी नहाते थे। यहाँ बचपन की यादें हैं भाई पूरी। है देखो ये मंदिर है, ये नया, और मेरा बचपन यहाँ पर गुजरता था। यानी यहाँ पर नहीं गुजरा है, हम लोग यहाँ पर हर वीकेंड पे आते थे, यहाँ स्विमिंग करते थे इसमें, वो साइड में बहुत ज़्यादातर आके मैं कभी कभी अकेले में यहाँ पर बैठ जाता था। ये देख रहे हो यहाँ पर मंदिर था, पहले एक मंदिर था, अभी और तीन चार मंदिर ऊपर बना दिए गए हैं। वो एक मंदिर है, पूरा पानी के अंदर डूब गया है, वो आप देख रहे हैं, वो नीचे चला गया। यानी पानी नीचे तक होता है, अभी पानी परसों ज़्यादा आ गया था बारिश की वजह से, तो ये पूरा भरा हुआ है अभी। गंगा यमुना सरस्वती या गंगा जमुना सरस्वती, मेरे को नहीं मालूम, भूल गया। ये पानी सीधा जाएगा बासर, बासर पता है जो लोग एरिए के पता होगा, बासर से जाएगा पोचम पहाड़, जहाँ पर डैम है पोचम पहाड़ का, जबरदस्त। तो यहाँ मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, यह है मेरा गांव कंदा कुर्ती विलेज। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो पूजा वूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये साफ़ सफाई करना चाहिए यार, देखो कितना गंदगी कर दिया यहाँ पे पूरा, ये साफ़ सफाई का काम ही नहीं हो रहा इधर, पूरा साफ़ सफाई करना चाहिए, पूरा कचरा बहुत पड़ा हुआ है। चलो खैर जो भी है, ये है देखो, अभी चलते हैं घर पे, तहारी बन रही है फेवरेट मेरी। ये बाइक लेकर के घूम रहा हूँ मैं, ये फैशन प्रो है, ये मेरे वाइफ के ब्रदर की बाइक है, मेरे पास कोई बाइक वाइक नहीं है। देख रहे हो ये बंदा जो है वो सब स्टेशन में काम करता है करंट के काम में। तो 2002 में तकरीबन 2002 में ये मंदिर बनाए थे, पहले ये नहीं था ना, ये वाशरूम वगैरह थे, ये कुछ भी नहीं था। अभी ये सब 2002 में तैयार किया गया था, जब पुष्कर आलू चालू हुआ था। अब देखो बहुत सारी पब्लिक आती है हर जुम्मा को, तो ये पूरा भर जाता है, फ्राइडे के दिन बहुत लोग आते हैं यहाँ। पता नहीं पंडित जी जो है घर बना करके रख लिए अपना, इधर ही रहते हैं मुमकिन। तो अभी हम चलेंगे इधर से, ये मच्छी वाले ने जाले डाल के रखा है इधर मच्छी पकड़ने के लिए। यहाँ पर लोग स्विमिंग कर रहे हैं वो साइड में, टीएस की गाड़ी है, चलते हैं अभी भाई। और ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये जो सामने का ये स्कूल है मेरा, यानी मैं यहाँ पर 7th क्लास तक पढ़ाई किया था। यहाँ मंदिर है, राम मंदिर है बड़ी वाली, और वहाँ सामने इधर साइड में मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, पुरानी मस्जिद है, पुराना गांव है ये, अभी बहुत अच्छा है। चलो ये पूरा खेती का एरिया है, पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंबाकू का इस्तेमाल होता है, पूरा देखो आप तंबाकू ही देख रहे हो, इधर भी तंबाकू है, उधर भी तंबाकू है, वो साइड भी तंबाकू है, पूरा टोटल तंबाकू चलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये जो रोड है ये जाती है गंगा को। सरप्राइज़ बात यह है, इस गांव में मेरा फ़ोन गिर के स्क्रीन फूट गया है, आखिरी किराक सरप्राइज़ मिला मेरे को। बस बाइक लेकर के घूम रहा हूँ, आज घूमूंगा, फिर कल जाके जो है घर पे आराम करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा कंटिन्यू व्लॉगिंग। अब मैं क्या क्या बताऊँगा क्या नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, जहाँ पर भी जाऊँगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ज़रूर बने रहना मेरे चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अभी हमारे अम्मा जान तहारी बना रहे हैं, तहारी खा के फिर मैं चलता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर, उसका वीडियो अलग बनाऊंगा जहाँ मैं रहता हूँ। चलो अभी तो भाई अच्छा हुआ हमारे सार से मुलाकात हो गया। देखो ये स्कूल था हमारा, यहाँ पर मैं पढ़ाई किया हूँ, और ये हमारे नागेश सार हैं, हाथ मिलाओ इन्हों पढ़ाते थे पहले हमारे को स्कूल, और ये हमारा स्कूल था यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। गंगाधर अन्ना, गंगाधर जी ना, अशोक मामा नहीं कैसा बोलते तो ये स्कूल का एरिया है, बचपन से बड़े होने तक यहीं पे पढ़ाई किया हम, बहुत अच्छा है। अब ये YouTube में जाएगा वीडियो, हाँ कंटिन्यू सुबह से बना रहा हूँ वीडियो, अभी तक गंगा बता के आया much later। तो माशाल्लाह भाई आगे देखो हमारे अब्बाजान नांदेड़ जाके, माशाल्लाह कैसा रहा सफ़र? अच्छा रहा। हाँ माशाल्लाह नांदेड़ जाके आए अभी, तो बहुत एक्सपीरियंस है इनको तंबाकू का, इंशाल्लाह कभी एक दिन इनके साथ जंगल में जाके वीडियो बनाएंगे। तो ये है हमारे पापा, तो माशाल्लाह मगरिब का टाइम है, तो चलते अभी हम यहाँ से, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ में दूसरी वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अपना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बोलो थोड़ा सब्सक्राइब करो, बोल के इंशाल्लाह ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो जी।